मेरा नाम भूपेंद्र जायसवाल, मेरा एज 41 है और मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, लेकिन महाराष्ट्र में मेरा जन्म हुआ है मुंबई में ही, और मैं बचपन से यहीं पे रहता हूँ धारावी में। 2014 में मैं अहमदाबाद में था और कुछ यही जनवरी वगैरह का मंथ चालू था, उस वक्त मुझे स्किन का डिजीज पेनिस में मेरे स्किन का प्रॉब्लम्स हुआ था। मैंने डॉक्टर को उन्हें दिखाया तो उन्होंने मुझे दो वीक, फर्स्ट वीक में गया तो थोड़ा सा मुझे आराम महसूस हुआ उनकी दवा से, लेकिन सेकंड वीक में मुझे नहीं लगा कि उनकी दवा कुछ काम कर रही है। तो फिर मैं रिटर्न अहमदाबाद से मुंबई आया, और मुंबई में जब मैंने साइन हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल है हमारा यहाँ पे लोकमान तिलक, तो वहाँ पे जब गया तो स्किन टेस्ट डिपार्टमेंट में चेक कराया तो उन्होंने कहा कि आप एक बार डायबिटीज़ का भी टेस्ट करा लीजिए। जब मैंने डायबिटीज़ का टेस्ट कराया तो उसमें देखा कि 300 प्लस मेरा डायबिटीज़ था, तो उन्होंने कहा कि आपको फिर डायबिटीज़ हो गया है, आपको डायबिटीज़ के लिए फिर फैमिली हिस्ट्री में तो पुराने में तो कुछ नहीं था, मगर नए में मेरे पिताजी को भी हुआ था। जस्ट अभी वो 3-4 महीने पहले एक्सपायर हो गए हैं, और उन्हें डायबिटीज़ मालूम पड़ा था करीबन 2 साल पहले, उनको भी मालूम पड़ा था कि डायबिटीज़ है, लेकिन उससे पहले किसी को नहीं था। जी हाँ, मैं हर एक महीना या 1.5 महीने के अंदर मैं एक बार चेकअप कराता हूँ, रूटीन चेकअप। और मुझे लास्ट फरवरी 2014 में मुझे पता चला था कि डायबिटीज़ मुझे हुआ है। उन्होंने कहा था कि चावल को कम कर देना या ना खाएं तो बेहतर है, और इस तरीके से मैं भी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर रहा हूँ, और उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी हैं जिसको कंटिन्यू खा रहा हूँ। मेरा खाने से पहले का शुगर जो लेवल है वो कंट्रोल रहता था, लेकिन खाने के बाद वाला थोड़ा सा 250 के ऊपर चले जाता था। तो उन्होंने लास्ट टाइम मुझे अभी एक मंथ पहले कुछ एक नई दवाई एडवाइस की थी, और मैंने उसको सिर्फ 10 दिन ही खाया हूँ और 5-6 दिन नहीं खाया, मगर आज जब मैंने अभी नया टेस्ट कराया हूँ तो उससे मालूम पड़ा कि दोनों चीज़ बहुत फटक से नीचे आ गई, एक 60 पे आया है और एक 114 कुछ तो ऐसा है। तो ये बहुत ही एक तरीके से कंट्रोल जैसे नहीं हो रहा है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि डिसबैलेंस हो गया है। एक तो पहले ज़्यादा था, फिर अब एकदम कम हो गया है। सब आम लोगों से यही कहूँगा कि अपने सेहत पे ध्यान रखें, जैसे आप थोड़ा हल्का फुल्का कसरत करते रहिए कंटिन्यू, योगा हो सके तो योगा करिए, प्लस खान पीन का जो टाइम टेबल है आपका उसको परफेक्ट रखिए। मैं सरकारी हॉस्पिटल से दवा लेता हूँ इसलिए मुझे वहाँ पे लाइन लगानी पड़ती है, और दोपहर का टाइम रहता है तो मेरा पूरा दिन का नुकसान हो जाता है, जिससे काम में थोड़ा प्रॉब्लम आते हैं।